हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। आई एम हेमा जैन। आज के मोटिवेशनल वीडियो में आज हम देखने जा रहे हैं 10,000 आवर्स का प्रिंसिपल क्या होता है। आउटलायर एक बेस्ट सेलर बुक है जिसमें 10,000 आवर्स का प्रिंसिपल बताया गया है। अब एक आउटलायर कौन होता है? आउटलायर्स वो इंसान है जो बाकी उनसे कुछ हटकर करे। वे भीड़ का हिस्सा नहीं होते बल्कि कुछ अलग और अनोखे होते हैं। ऐसे लोग जो सफलता की झूठी झूठे हैं आउटलायर्स कहलाते हैं। और आउटलायर्स जीनियस होते हैं, एथलीट, रॉक स्टार, बिजनेस टाइकून्स और दुनिया के बिलियनियर लोग होते हैं। मगर उनका राज क्या है, यह इस आउटलायर्स बेस्ट सेलर बुक में बताया गया है। इसमें एक थ्योरी दी गई है 10,000 आवर्स की। कोई भी कार्य, उसकी प्रैक्टिस, उसका सराव अगर हम 10,000 घंटों तक करें तो उसके हम तज्ञ बन जाते हैं, मास्टरमाइंड बन जाते हैं। जब भी हम किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, क्योंकि अब आपको और प्रैक्टिस करने की जरूरत महसूस नहीं होती। 1990 में बर्लिन के एक एकेडमी ऑफ म्यूजिक में एक स्टडी की गई थी जिसमें साइकोलॉजिस्ट का एक ग्रुप ये पता करना चाहता था कि प्रैक्टिस और टैलेंट सक्सेस के लिए कितने जरूरी है। क्या वायलिनिस्ट अपने टैलेंट की वजह से ही इतना अच्छा कर पाते हैं या फिर ये उनकी प्रैक्टिस का नतीजा है? साइकोलॉजिस्ट ने ये पाया कि जो स्टूडेंट जितना ज्यादा टाइम प्रैक्टिस में लगाते हैं वे उतना ही अच्छा वायलिन बजाते थे। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं उतना ज़्यादा वक्त वे अपनी प्रैक्टिस को देते हैं और 20 साल की उम्र तक आते आते वे बेस्ट वायलिनिस्ट बन चुके होते हैं और पहले से 10,000 घंटे की प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। यही स्टडी पियानिस्ट पर भी की गई जो पियानो बजाते हैं, जो एमेच्योर थे। उन्होंने बचपन में सिर्फ 2,000 घंटे ही प्रैक्टिस की थी मगर प्रोफेशनल लोग हर साल अपने प्रैक्टिस का टाइम बढ़ा देते थे और 20 साल के होते होते इन्होंने कुल 10,000 घंटों की प्रैक्टिस कर ली होती है। और साइकोलॉजिस्ट को ये पता लगा कि इसमें नेचुरल जैसे कोई बात नहीं है। ऐसा कोई म्यूजिशियन नहीं हुआ जो कम प्रैक्टिस करके भी बेस्ट म्यूजिशियन बना। किसी भी चीज़ में वर्ल्ड क्लास बनने के लिए हमें कम से कम 10,000 घंटे की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। अब कोई भी कार्य करो, अगर उस कार्य में अगर हमें बेस्ट बनना है तो 10,000 घंटों की प्रैक्टिस बहुत आवश्यक होती है। अगर 10,000 घंटों की प्रैक्टिस हमारी अभी तक पूरी नहीं हुई है तो उसे कंटिन्यू करते रहना है और जैसे ही हमारी 10,000 घंटों की प्रैक्टिस पूरी हो जाती है हम उसमें बेस्ट बन जाते हैं। बाकी स्टडीज में भी ये जादुई नंबर प्रूव हो चुका है। और 10,000 घंटे की प्रैक्टिस अगर आज से हम शुरू करते हैं तो जो चीज हम भविष्य में अपने जीवन में देखना चाहते हैं वह चीज हमें भविष्य में भी आसानी से मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए लेखक का बस कहना इतना ही है कि आप 10,000 घंटों की प्रैक्टिस अवश्य करें ताकि उसमें आप बेस्ट बनें।